शैतवानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो एक कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई। लेकिन हम एक स्पेशल चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, मुगलई चिकन कढ़ाई, जो कि कुछ हट के है नॉर्मल चिकन कढ़ाई से। तो वीवर्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रेसिपी। तो वीवर्स, हमारे पास यहाँ पर है 1.5 किलो चिकन, ये मिक्स है, तकरीबन 8 से 10 पीसेस हमने किए हैं चिकन के। तो वीवर्स, यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो गर्म है, हम चिकन को इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम कढ़ाई के लिए हमेशा जो है वो हाई पे होना चाहिए, लो फ्लेम पे अगर आप बनाएंगे तो ये सही नहीं बनेगी। हम इसको फ्राई करते हैं, तब तक हम आपको बताते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो बिस्मिल्लाह व्यूअर्स, यहाँ पर है मेरे पास 1/2 चाय का चम्मच है मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच है मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ, यहाँ पर 1 ही चाय का चम्मच है मेरे पास सुर्ख मिर्च, ये है देगी मिर्च जो ज़्यादा तीखी नहीं होती, और यहाँ पर 1 ही चाय का चम्मच है मेरे पास खुश्क धनिया कूटा हुआ, यहाँ पर है मेरे पास तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच है मेरे पास हल्दी, और 1/2 चाय का चम्मच है मेरे पास चाट मसाला, और 2 चाय का चम्मच है मेरे पास कूटी हुई लाल मिर्च। मैंने प्याज लिया है, ये एक अदद बड़े वाला प्याज है, एक अदद चॉप किया हुआ, और इसमें कोई तकरीबन 2 स्मॉल ग्रीन चिलीज हैं, वो भी हमने चॉप की हुई हैं, ये जाएंगी इसके अंदर। यहाँ पर है मेरे पास 4 अदद टमाटर, ये मैंने छील लिए हैं, इन्हें भी अगर आप चाहें तो बड़े बड़े काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ब्रीक चॉप करके डालूँगा कढ़ाई में। जी व्यूअर्स, यहाँ पर है मेरे पास 250 ग्राम दही, इसे हमने फैट लिए हैं, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ये हम इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर है मेरे पास कुछ ग्रीन चिली साबुत, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर है मेरे पास कोको पाउडर, ये क्रश किया हुआ है कोकोनट, और यहाँ पर मेरे पास हैं कोई 10 से 12 अदद बादाम की गिरियां, कोई इतनी ही मकदार में 15 तकरीबन मेरे पास हैं काजू भुने हुए, और यहाँ पर पिस्ताचो है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। वीवर, ये है मेरे पास 50 ml नाता क्रीम, फ्रेश क्रीम, ये हम बाद में इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए वीवर, चिकन ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, अब हम चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है वो थोड़ा सुर्खी माइल हो जाएगा, तब तक हम इसे भूनेंगे। टमाटर को हम ऐसे छोटा छोटा चॉप कर लेंगे, आप अगर चाहें तो आप बड़े भी डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर जो है वो हमने लिया वो छीला हुआ है, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं। व्यूअर्स, जो हमने लिए थे बादाम थे, काजू थे, कोकोनट था, और वो जो हमारे पास पिस्ताचो था, वो हमने ग्राइंडर में डाल लिया है, उसके साथ हमने डाला है फ्रेश क्रीम को, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, हमने इसको एक क्रीम की शक्ल में बना लिया है। हाँ जी, हाँ। तो व्यूअर्स देखिए, चिकन हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये सारे प्याज क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे हैं इसलिए मैं शामिल नहीं करूंगा, 1/2 मैंने शामिल किए हैं कढ़ाई के हिसाब से। अब हम इन्हें भून लेंगे थोड़ी देर तक, इसमें शामिल करेंगे
अदरक लहसुन की पेस्ट, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अपने मसाला जात। ये सारे मसाला जात जो थे वो मैंने मिक्स कर लिए थे, वो अब इसमें हमने शामिल कर दिए। जी हाँ, तो व्यूअर्स आप हमारी वीडियो को देखा करें प्लीज़, और हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेसिपी कैसी है, क्या है इसमें। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियोस को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे। प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे जो हमने मसाला जार डाले हैं उन्हें भून लेंगे, और उसके बाद शामिल करेंगे इसमें टमाटर। जी हाँ, तो व्यूअर्स यहाँ मैं शामिल करने जा रहा हूँ टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे डांप देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़ा गल जाएं। जी हाँ, तो अभी बस देखिए टमाटर तकरीबन जो हमारे हैं वो नरम हो गए हैं। अब हम ऐसे दबा दबा के इन्हें मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ। जी हाँ, तो व्यूअर्स देखिए जो हमने प्याज और टमाटर डाले थे वो इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब हम इस मौके पे शामिल करेंगे इसमें जो हमने लिए थे बादाम, काजू, पिस्ता, और जो थी हमारे पास कोकोनट का था वो हमने एक मिक्सर बनाया हुआ था, वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। व्यूअर्स ये वो हमारा मिक्सर है, यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये हमारी जो कढ़ाई है वो एक ख़ास कढ़ाई है। कढ़ाई तो आपने बहुत खाई होंगी, अपने घरों में ये वाली भी ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में, और हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, मज़ेदार थी या नहीं। उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे हमें कमेंट में बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, और यहीं पर मैं शामिल करूंगा ग्रीन चिलीज, सब्ज़ मिर्चें जो हमने रखी थी साबुत वो इसमें शामिल कर दूंगा। इन्हें मैंने थोड़े थोड़े कट लगा लिए हैं, वैसे नहीं काटा, ये इसमें शामिल करूंगा। यहाँ तो भी बस जो हमने इसमें डाले थे बादाम वगैरह वो भुन चुके हैं, ये देखिए कितना प्यारा मसाला है, ये देखिए। अब हम यहाँ शामिल करेंगे दही। ये तकरीबन 250 ग्राम हमारा दही था, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसे भून लेंगे। दही के बाद ज़्यादा नहीं भूना जाता। फ्लेम को जो आपने वो कढ़ाई के लिए हाई ही रखना है, कढ़ाई के लिए फ्लेम आपने लो नहीं करना। जी हाँ, तो व्यूअर्स कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है, अब हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, तो व्यूअर्स देखिए हमने डिश आउट कर लिया है,
उम्मीद करते हैं कि आप हमारी रेसिपी को पसंद करेंगे और अपने घरों में ट्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। ऑलराउंडर किचन की जानिब से अल्लाह हाफिज़।